हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर ये हमारे फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट का सिलेबस है। तो आप बीच में से 11th नंबर का चैप्टर है, ये बीच में से दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे, छोटा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फोर्स की, कि फोर्स है क्या। फोर्स के लिए बच्चों, मान लो आपको ये मेरे पास है, ये पेन है, पेन को अगर मेरे को उस तरफ आगे करना है तो मैं ये क्या कर रहा हूं, देखिए पुश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। और अगर मैं इसको इधर लाना चाहता हूं तब क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। तो ये जो दोनों मैंने एक्शन किया, ये पुश करना और पुल करना, ये ही दोनों फोर्स कहलाएंगे। यानी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को हम आगे पुश करें ये भी फोर्स है, किसी चीज को हम पुल करें ये भी फोर्स है। तो डिफाइन हो गई पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। बहुत छोटी सिंपल सी डिफाइन, बड़े क्लास में आएंगे तो थोड़ी और बड़ी डिफाइन बताएंगे, अभी आपके लेवल पे ही याद रखो, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। जिसे दरवाजे को खोलना है तो आप क्या करोगे, पुल करोगे, ठीक। ये हो गया फोर्स। या दरवाजे को अंदर की तरफ खोलना है तो आप पुश करोगे, और बंद करना है तो पुल करोगे। दोनों केस में आपका फोर्स लग रहा है, यही फोर्स है। तो फोर्स के इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखें आप। नंबर टू, फोर्स। बच्चों जैसे मेरे पास ये चौक है, अगर मैं इसको रख करके कोई पत्थर से मारूं तो क्या होगा, इसका शेप बदल जाएगा। या बड़ी चौक, जैसे ये चौक है, ये मैंने फोर्स लगाया, ये देखे टूट गई, टुकड़े हो गए, शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स कैन चेंज शेप। अगर मान लो आप साइकिल चला रहे हो, चलाते चलाते आप अपने फ्रेंड के कॉलोनी में चले गए, आपके फ्रेंड का छोटा भाई आपको पता नहीं है और पीछे से साइकिल को पुल कर रहा है, साइकिल को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो आपके साइकिल की स्पीड क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घट जाएगी, ठीक। तो फोर्स जो आपके भाई ने लगाया, पुल किया, उसने क्या किया, स्पीड को घटा दिया। या अगर उल्टा करे वो, आपकी साइकिल को पीछे से पुल कर दे, तब साइकिल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी की स्पीड को जो है फोर्स चेंज कर सकता है। दूसरा, अगर कोई चीज आपके दोस्त ने फुटबॉल मारा आपके तरफ, फुटबॉल आ रहा आपके तरफ, और आपने क्या किया, उसको रोक दिया फोर्स लगा करके, तो फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी को जो है फोर्स स्टॉप कर सकता है। या दूसरा चीज, मूविंग बॉडी को, रुकी हुई बॉडी को मोशन में भी ला सकता है। फुटबॉल पड़ी हुई है, आपने जाकर के एक किक दिया, उस पर क्या हो गया, मोशन में आ गया,
तो फोर्स कैन ब्रिंग द अ बॉडी इन मोशन। फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन। फोर्स जो है किसी भी एक बॉडी को मोशन में ला सकता है। लास्ट, आपके दोस्त ने उधर से फुटबॉल मारा इधर आ रहा है और आपने इधर से किक मिला करके दिया इधर, तो क्या होगा? अभी फुटबॉल का डायरेक्शन इधर था और आपने मारा इधर, तो क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। पांचवा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को बदल सकता। तो ये हो गया पांच बच्चों इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए, फोर्स कैन चेंज शेप, चौक का उदाहरण दिया मैंने आपको। फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, आपके दोस्त का दिया उदाहरण कि आपके दोस्त का जो भाई आपके साइकिल को धक्का दे देगा या साइकिल को पुल कर देगा तो आपकी स्पीड बदल जाएगी। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, फुटबॉल लड़ते हुए आ रहे, आपने पैर से दबा दिया या रोक दिया, फोर्स लगा करके रोक दिया। फोर्स कैन ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन, कोई रुकी हुई चीज है उसको मोशन में ला सकता है। और फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, उधर से फुटबॉल आ रही, आपने इधर से किक दिया, डायरेक्शन बदल गई। पर इधर आ रही थी, अब किधर जाएगी? उधर जाएगी, तो क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गया। तो ये बच्चों पांच इफेक्ट हो गए फोर्स के। अब आगे देखते हैं कि फोर्स की वर्किंग देखते हैं उसका। तीसरा, फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन है। बड़ी क्लास में आपको डिटेल मिलेगा इसको। जैसे हम वजन नापते हैं 5 kg 6 kg, तो वजन की यूनिट क्या हो गई? kg। लंबाई नापते हैं 4 meter 5 meter, तो लंबाई यूनिट क्या हो गई? मीटर। वैसे ही फोर्स की यूनिट आपको क्या याद रखना है? न्यूटन। ठीक, 5 newton 10 newton। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए दो बॉक्स हैं, ये और ये बॉक्स बी, ए पे जो है इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है 20 newton, कितना न्यूटन? 20 newton, और इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है 5 newton, और बॉक्स बी पे इधर से जो फोर्स लग रहा है वो भी 20 newton, और इधर से जो फोर्स लग रहा है ये भी 20 newton। दोनों अंतर देख रहे हैं, इस पे इधर से भी 20 newton, इधर से भी 20 newton, और बॉक्स इधर जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। यानी इफ अ फोर्स, टू फोर्सेस वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, टू इक्वल फोर्सेस वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। दीज फोर्सेस आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। ये क्या हो गया? फोर्स हो गए बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स से काम नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, बैलेंस फोर्स कैन नॉट वर्क। लेकिन यहां दो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ये 20 newton, ये 5 newton, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 50 newton का। यानी 50 newton ज्यादा इधर, तो बॉडी किधर मूव होगी? इस डायरेक्शन में, इधर नहीं होगी। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू द वर्क। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वर्क को करेगा। मैं बॉक्स को यहां से यहां लाना चाहता हूं, ये बॉक्स से मूव होगा, ये कौन सा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये वाला कौन सा हो गया? बैलेंस्ड फोर्स।
ये वाला बैलेंस फोर्स और ये वाला अनबैलेंस फोर्स। ठीक, अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? इफ टू अनइक्वल फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ टू अनइक्वल फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स कौन सा होगा? इफ टू इक्वल फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स जो है बॉडी में मोशन नहीं ला पाएगा, बॉडी में वर्क नहीं कर पाएगा, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है। यानी ये भी लिख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट वर्क। नंबर टू, चलो मैं ये रब करके लिख देता हूं, ये डिफरेंस ही हो जाएगा बच्चों बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का। और ये डायग्राम भी दिखा देंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन डू वर्क, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट डू वर्क। बैलेंस्ड फोर्स कोई काम नहीं कर सकता। ये दो डिफरेंस हो गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का। ये डायग्राम दिखा देंगे, ये डायग्राम दिखा देंगे और ये दो पॉइंट लिख देंगे बच्चों। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में बच्चों कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कौन सा फोर्स बताया मैंने? पहला कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स से मतलब है जैसे मान लो मेरे को इस पेन को पुश करना है, आगे धक्का देना है, क्या मैं बिना टच किए इसको, बिना कॉन्टेक्ट किए मैं इसको फोर्स लगा सकता हूं? यहीं से ढकेलू तो ढकलाएगा क्या? आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। अब इसको बिना जब टच कर लूंगा तब ये काम कर रहा है। तो मेरे हाथ में कौन सा फोर्स लगा रहा है? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। ये जब ये कॉन्टेक्ट होगा तब काम करेगा। ठीक, तो मस्कुलर फोर्स जो है एग्जाम्पल हो गया किसका? कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल, मस्कुलर फोर्स। डिफाइन इट लो, फोर्स एग्जर्टेड बाय मसल्स।
फोर्स एग्जर्टेड ऑन द अप्लाइड बाय मसल्स। मसल्स जो फोर्स लगाती हैं वो कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। जब तक किसी चीज को धक्का देना है, खींचना है, जब तक उसको कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक ये वर्क नहीं होगा। बच्चों एक फोर्स और है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स, नंबर टू। ये नंबर वन हो गया एग्जांपल में, नंबर टू फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जानते हो, जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, जैसे दो चीजें कांटेक्ट में आ गई, ये और ये, तो इन दोनों के बीच में दोनों के जो सरफेस हैं एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं, एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं। मान लो मैं इसको पेन को उधर धकेलना चाह रहा हूं, पेन को मैं उस तरफ पुश कर रहा हूं, तो ये जो मेरे हाथ की हथेली है इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। मैं उस तरफ लगा रहा हूं तो हथेली किधर लगा रही, इधर लगा रही। तो कोई भी दो सरफेस पे, कोई भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में आते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे मान लो ये मैंने रखा इस पे, तो मेरा जो हाथ है पेन को मैं उधर पुश कर रहा हूं तो मेरा हाथ इधर पुश कर रहा है इसको, लेकिन जो मेरा हाथ जितने से फोर्स लगा रहा है उससे ये ज्यादा मैं फोर्स लगा रहा हूं इसलिए पेन आगे मूव कर रहा है। तो कभी भी कोई भी एक सरफेस या दूसरे सरफेस पे फोर्स लगाता है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज द मोशन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को रोकता है। बच्चों फ्रिक्शन फोर्स है ये जो इस पेन को रोके हुए, अगर हम दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स हटा दें तो ये पेन अपने आप चलने लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, जितनी चीज चिकनी होगी उसका फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। जैसे मान लो कि अगर फर्श है कांच पे, अगर थोड़ा सा, या आपके घर पे जो टाइल्स है, टाइल्स पे आप चल लेते हो इजीली, लेकिन टाइल्स पे जब पानी लग जाए तब क्या होता है, तब आपके फिसलने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी ने क्या किया, फ्रिक्शन को कम कर। ऐसे केले के छिलके पर अगर पैर पड़ जाए तो भी फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फायदेमंद ही नहीं है, नुकसानदायक भी है। फ्रिक्शन फोर्स से हम चल पाते हैं ये फायदा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स से हम फिसलते नहीं है, बैठ लेते इजीली, ये फायदा हो गया। और नुकसान क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से हमारे टायर घिस जाते हैं, जूते के तले घिस जाते हैं, ठीक, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो अपन इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फोर्स अप्लाई बाय अ सरफेस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा, सरफेस, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। और इससे भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल, जब तक दो चीजें कांटेक्ट में नहीं आएंगी जब तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। आपकी साइकिल धीरे धीरे भारी चलने लगती है तो साइकिल वाले के पास जाते हैं, बोलते भैया तेल डाल दो, तो तेल डाल देता हो तो क्या होती है, साइकिल स्मूथ चलने लगती है, कारण तेल जो है फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। पहिए और जो एक्सल होता है आपके साइकिल का, ये एक्सल होता है इसके ऊपर पहिया गोल गोल घूमता है, इनके बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तेल डालने से चिकनी चीजें क्या करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देती हैं।
रिड्यूस कर देती है। ओके, इसके बाद आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब हो गया बिना टच किए, बिना छुए ही फोर्स लगा देना। जैसे अगर मैं मान लो मेरे पास में एक चौक है, मैं इसको छोड़ रहा हूं, नीचे आ गए, कौन खींच रहा है? अर्थ। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगा रही है नीचे के तरफ, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमेशा दूर से छत के ऊपर से पत्थर फेंकोगे तो नीचे खींच लेगा, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो बिना टच किए, एग्जांपल क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई चीज जो ऊपर से गिर रही है, नीचे आ रही है, वो फ्रीली घूम आ रही है, उसके ऊपर जो अर्थ अपना फोर्स लगाती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का बिना टच किए खींच लेगा। दूसरा एग्जांपल सोचो नॉन कॉन्टेक्ट का, मैग्नेट। अगर मैग्नेट के पास से मान लो मैग्नेट यहां पिन लाए तो दूर से खींच लेगा, तो ये क्या हो गया? बी मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय अ मैग्नेट, फोर्स अप्लाइड बाय अ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सी, ये भी बिना टच किए ही फोर्स रखता है। ठीक, कैसे? कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पता आपको? जैसे बिजली के तार बोलते हैं दूर से खींच लेती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहां चार्ज बॉडी हो, एक चार्ज बॉडी जिसे सर्दियों के दिनों में आप कपड़े खोलो तो चिपचिप की आवाज आती है और हमारे शरीर के बाल भी ऊपर खींच करके आते हैं, कपड़े एक दूसरे को खींचते हैं। गर्मी के दिनों के अंदर, अभी इन दिनों में चार्जिंग नहीं हो पाती है, बारिश में नहीं हो पाती है, सर्दी के दिन के अंदर पेन को बालों में रगड़ करके छोटे छोटे पीस को टच कराओ तो भी चिपक करके आते हैं। इन दिनों में नहीं आते हैं, इन दिनों में चार्जिंग थोड़ा नहीं हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है तो चार्जिंग फास्ट होती है। ये थोड़ा कम चार्जिंग नहीं हो पा रही है गर्मी के दिनों में, अगर करते हैं हम लोग तो इवन हमारे स्केल वगैरह को भी रब करके लाते हैं तो उससे भी ये पेपर के पीस को खींच लेता है। थोड़ा बहुत गर्मियों में करेंगे तो होगा ही, गर्मी के दिनों में करने पे होता है। तो ये जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज्ड बॉडी। ये एग्जांपल हो गए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के, ये दूर से ही चीजों को खींच लेते हैं।
तो बच्चों ये हमारा लगभग लगभग आधा चैप्टर हमारा आज हो गया है, एक पीरियड और लगेगा आपका तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।